ये ऊपर कैफे हो बोले कैफे हो कैसा चाय मिल जाएगी? भाई जान चाय तो पिला दो। कार्डमम होती है आपके पास? कार्डमम मिक्स की होती है चाय में। अच्छा चले फिर चाय पिला दें अच्छे से। ये जो एक्टर आया था नीचे इनका नाम क्या था? गुड नाइट फ्रॉम कैफे होम 5th Avenue बावलपुर। यहाँ पे सेलिब्रिटीज आके रुकती हैं, स्टे करती हैं, यहाँ पे जब शूटिंग वगैरह होती है। आज हमें आए हुए थे यहाँ पे, आज मैं आया हूँ यहाँ पे चाय पीने। और जैसे हम यहाँ पे आके बैठे हैं तो हमें शेख अल बकलावा के लिए, अगर आपको नहीं पता शेख अल बकलावा कौन है तो आप सर्च कर सकते हैं शेख अल बकलावा कौन है और मूवीज़ में वो क्या किरदार अदा करते हैं, मतलब पाकिस्तान की लीडिंग विलन वो किरदार अदा करते हैं। जैसे मैंने बताया वो सेलिब्रिटी हैं और सेलिब्रिटी के पास टाइम बहुत कम होता है, तो हमने सेल्फियाँ ली हैं और थोड़ी बहुत ही गपशप की है, हमने रिकॉर्ड नहीं की। अभी चाय आती है, चाय पियेंगे और आज का व्लॉग स्टार्ट है माशाल्लाह। भाई यहाँ पे कोई मूवी वगैरह बन रही है क्या अपने नूर महल में? स्पॉट हमें पता नहीं। अच्छा ना हमें बताया तो सारे एक्टर यहाँ पे रुके हुए, कुछ रुके हैं कुछ आने। आप तो फिर सही सेल्फी लेते होंगे? नहीं नहीं हमें जरूरत नहीं। अच्छा एटीट्यूड चेक किया था? अभी वेटर भाई आए हैं, हमें चाय दी है और बैंड बजा दी हमारे, मतलब उनसे मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे एक्टर आते हैं, उन्हें कहा आते हैं। मैंने कहा काफ़ी मज़े हैं फिर सेल्फियाँ लेते होंगे, मैंने कहा भाई हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने ना आज लाजवाब कर दिया भाई, क्या हार्ड लौंडे हैं भाई, कमाल छा गए। व्लॉग बनाना अलाउ नहीं था, वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैं आ गया हूँ नीचे रिसेप्शन में कैफ़े होम 5th Avenue होटल। और ये भैया रिसेप्शन है इसकी। हमज़ा बॉय काम करता था, हमज़ा अगर होता तो हम यहाँ का पूरा एक्सप्लोर करते। बाकी यार स्टाफ में लिफ्ट ही नहीं करा रहा है क्योंकि यहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज़ आए हुए हैं। चाय पी लिया, चाय पी के निकलते हैं, मिलते हैं आप, अपन तो इधर ही हैं जब तक ब्लॉग खत्म नहीं होता। सेकंड गुड नाइट फ्रॉम बावलपुर। अभी कल व्लॉग नहीं किया, मतलब आज सुबह व्लॉग नहीं किया और आज व्लॉग की छुट्टी हो गई है और आज शाम मतलब कल व्लॉग आप देख पाएंगे अगर मैंने व्लॉग कर लिया तो। अभी मैं हूँ कमर्शियल एरिया में और अभी हम जाएंगे शाहीगान रेस्टोरेंट। मौसम चेंज हो रहा है और मौसम इतना बेहतरीन है कि भाई सोने से दिल ही नहीं भरता, इतना ठंडा मौसम, दिन में भी ठंडा मौसम, रात में और ठंडा मौसम, तो मतलब मौसम इन्जॉय हो रहा है। आए हुए हैं कमर्शियल एरिया, यहाँ पे एक शाहीगान फ़िश पॉइंट मशहूर है, वहाँ पे हम आज आए हुए हैं, एक्सप्लोर करते हैं आज फ़िश को, तो मिलते हैं। मैंने कहा चिल मिल माहौल है। हाँ नहीं सही है, अच्छा शाहीगान रेस्टोरेंट। और ये हैं हमारे इमरान भाई, ये मतलब चाहे जितनी ठंड हो या जितनी गर्मी हो अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल करते हैं। आपकी उम्र कितनी है? 44 और मतलब लगते ही नहीं है 30 प्लस लगते हैं आप कमेंट करके बताइएगा कि ये कितनी एज के लग रहे हैं, लेकिन ये असल में इनकी उम्र है 44। और ये रोड डेली 6 किलोमीटर भागते हैं आप नॉन स्टॉप? जी 6 किलोमीटर और डाइट कमाल, फुल डाइट 1 घंटा फटे और डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ऐसी डेडिकेशन चाहिए इंसान को। अच्छा ये मेरे फ्रेंड से बताया हुआ था और पहले भी मेरे नोटिस में था। अच्छा। वैसे तो हम लेफ्ट राइट भावलपुर से फिश वगैरह टेस्ट कर रहे थे, आज फिर हमने भी प्लान किया कि शाहीगान को टेस्ट किया जाए, लोगों ने बड़ी तारीफ किया इसकी। ऑर्डर दे दिया? यस चले थैंक यू। ऑर्डर किया हुआ है तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, अभी तक ऑर्डर नहीं आया। चले इसको अब
ओपन करें। बताएं कैसी लगी थी शॉप? अच्छी बनी है। शायगान का रिव्यू दें। नाज़रीन, गुजारिश है कि हमने फ़िश खाई है। इस फिश में जो दूसरे खाते हैं इसमें फ़र्क ही है। इसमें इनके मसाला जाते हैं, इन्होंने लेकिन ना लगता है ऐसे कि अगानों के नस्बत तेल बनाई है, ठंडे भी हो गया कुछ खास। लेकिन इनकी जो सर्विस है ना वो नॉन एक्टिव है बस। आज इनकी सर्विस ठीक नहीं है। फिश हमें मिले तकरीबन 1.5 घंटे बाद, ऐसे ही जी। फिश घर बनाते हैं इस मौसम में तो सबसे बेहतर ऑप्शन है। अगर आप बाहर से खाने जाते हैं तो बावलपुर में शायगान फिश ग्रिल एक अच्छा ऑप्शन है। सर्विस आज ठीक नहीं थी, आई होप कि इनकी बेहतर हो जाए सर्विस, बट फिश बहुत अच्छी थी। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। तकदीर नहीं ऐसी जो कह दे तुझे तेरी तकदीर नहीं, अगर हुई तेरी हार तो मान ले ये बात, बंदा तू ही समेटा कोई और नहीं। एशिया कैफे, ओ सॉरी एशिया नहीं था यार, इसका नाम था क्या नाम है कैफे, मैं इसके दो कैफे होगा सॉरी। नाम बनाया नाले पैहा भी कमाया, लोकी कर देने गल्ला आपा करके वखाया।